सीबीएसई के द्वारा जुलाई 2019 के लिए जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 37/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 21 अगस्त 2019, जिसमें कि CBIC ने सेक्शन 168 CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत और रूल 61 सब रूल 5 CGST रूल 2017 के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि CBIC ने नोटिफिकेशन नंबर 29/2019 सेंट्रल टैक्स में अमेंडमेंट की है। यदि आप नोटिफिकेशन नंबर 29/2019 सेंट्रल टैक्स को देखते हैं तो वहाँ पे सरकार ने GSTR 3B को फाइल करने की ड्यू डेट को स्पेसिफाई किया था जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के लिए, यानी कि ये महीने ख़त्म होने के बाद आपको 20 तारीख तक GSTR 3B को फाइल करना था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 37/2019 सेंट्रल टैक्स के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 29/2019 सेंट्रल टैक्स में प्रोविज़न इंसर्ट कर दी है फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, जो कि यह कहती है प्रोवाइडर दैट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेड रूल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर द 22 अगस्त 2019, यानी कि जुलाई 2019 के महीने के लिए GSTR 3B आपको GST पोर्टल पर फाइल करनी है 22 अगस्त 2019 तक। इसके साथ ही एक सेकंड प्रोविज़न भी इंसर्ट की गई है, जो कि यह कहती है प्रोवाइडर फॉर द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेड रूल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 फॉर रजिस्टर्ड पर्संस हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द डिस्ट्रिक्ट मेंशन इन द कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो ऑफ द स्टेट एज मेंशन इन कॉलम 2 ऑफ द सेड टेबल शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 20 सितंबर 2019, यानी कि वह रजिस्टर्ड व्यक्ति जिनका के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड स्टेट के स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो कि नीचे स्पेसिफाई किए गए हैं, उन्हें अपनी जुलाई 2019 की रिटर्न 20 सितंबर 2019 तक फाइल करनी है GST पोर्टल पर। जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि बिहार स्टेट में अरेरा, कृष्णगंज, मधुबनी, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कथिया, पूर्णिया, वेस्ट चंपारण और गुजरात में वडोदरा। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट में जो स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि बगलकोट, बेलारी, बेलागवी, चमार्जानगर, चिकामगलूर, दक्षिणा कनाडा, देवांगरी, धरवाड़, गैडेज, हसन, हवेरी, कलाबुरगी, कोडगू, कोपाल, मांडिया, मैसूर, रायचूर, शिवामोगा, उडुपी, उत्तर कनाडा, विजयपुरा एंड यादगिर। केरल स्टेट में इडुक्कू, मल्लयापुरम, वायनाड और कोझिकोड। महाराष्ट्र स्टेट में कोल्हापुर, संगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पलघर, नासिक और अहमदनगर। ओडिशा स्टेट में बालानगिर, सोनपुर, कालाहंडी, नुआडपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, नवरंगपुर। उत्तराखंड में उत्तरकाशी एंड चमोली। इस प्रकार यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में है, इन स्पेसिफाइड स्टेट के, तो आपको जुलाई 2019 की GSTR 3B की रिटर्न 20 सितंबर 2019 तक फाइल करनी है। इसके अलावा एक और प्रोविज़न यहाँ पे इंसर्ट की गई है नोटिफिकेशन में, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेट रूल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 फॉर रजिस्टर्ड पर्सनस हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 20 सितंबर 2019, यानी कि यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में है तो उस केस में आपको जुलाई 2019 की GSTR 3B को 20 सितंबर 2019 तक फाइल करना है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।
जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।